बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे लर्नर पॉइंट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, बैच 6 की। तो ये एक्सरसाइज क्या है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी टास्क किस नेचर की है, वो हम अभी रीड आउट करते हैं नीचे। लेकिन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को हिट करें और ऑल के ऑप्शन को भी चेक मार्क कर लें, ताकि मेरी अंदर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। एक और छोटी सी दरख्वास्त कि आप पूरी वीडियो लाजमी देखा करें, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वर्बली भी बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं समझने के लिए। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखा करें। तो चलें हम अब जाके अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं कि हमने करना क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कह रहा है कैप्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस विद एन इंट्रिगिंग ह्यूमरस और कॉमिकल स्टेटमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू अम्यूज द ऑडियंस। कह रहे हैं कि आपको दो इमेजेस या पिक्चर दी गई हैं, आपने इनके तले कोई कैप्शन लिखना है जो कि ह्यूमरस हो, कॉमिकल हो और जो आपके ऑडियंस को खुश कर दें। तो साथ बता रहे हैं कि उनकी जो लेंथ है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब टास्क क्या है हमारे पास के यूज योर क्रिएटिविटी टू कैप्शन द गिवन इमेज। करें अपनी क्रिएटिविटी को या तख्लीकी साहित को इस्तेमाल करते हुए आपने इन इमेजेस को कैप्शन देने। ट्राई टू इंड्यूस योर सेंस ऑफ ह्यूमर और सार्कास्टिक ह्यूमर टू मेक द कैप्शन अम्यूजिंग एंड एंगेजिंग। कह रहे हैं अपने जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है या आपके जो सार्कास्टिक ह्यूमर नेचर है उसको आप इसमें शामिल करें, ताकि अपने टू मेक द कैप्शंस अम्यूजिंग, यानी अपने कैप्शंस को अच्छा बनाने के लिए और उसको एंगेजिंग करने के लिए, ताकि आपके जो ऑडियंस है उससे एंगेज हो, ना कि वो उससे दूर चले जाए। कैन इंसर्ट द गिवन इमेजेस विद द कैप्शंस इन द एमएस वर्ड फाइल फॉर सबमिशंस। कह रहे हैं सबमिशंस करने के लिए आपने जो कैप्शंस लिखी हैं इन इमेजेस के साथ आपने एमएस वर्ड में डालकर उसको सबमिट करना है। गाइडलाइंस आपको बता रहे हैं क्या है, फॉलो द टिप्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बिलो। कह रहे हैं वॉच लेसन वीडियो 7, 8 and 9 बिफोर अटेम्प्टिंग द एक्सरसाइज। कह रहे हैं एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले आप जो लेसन वीडियोज हैं 7, 8 और 9 को एक मरतबा फिर देखें। योर सबमिशन शुड नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट 40-50 वर्ड्स। कह रहे हैं आपकी जो सबमिशन हैं यानी जो आपने कैप्शन लिखे हुए हैं इमेज के साथ, उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 40 या 50 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 40 भी 30 भी 20 भी यानी इससे कम होनी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ। अवॉइड एनी एक्स्ट्रा डिटेल्स, मज़ीद तफसील से आपने अवॉइड करना है, अपने आप को बचाना है। ओरिजिनल कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल है, जो आपका अपना लिखा हुआ है वो रिक्वायर्ड है। कॉपीड कंटेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड गेट वर्थी। कह रहे हैं जो आपने कोई एक कंटेंट कॉपी किया होगा तो वो उसको हम ग्रेडिंग के हवाले से अहमियत नहीं देंगे। द सोल्यूशन फाइल शुड बी सबमिटेड इन एमएस वर्ड फॉर्मेट ओनली। कह रहे हैं कि जो आपने अपना सोल्यूशन सबमिट करना है कैप्शन और इमेजेस के साथ, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड का होना चाहिए। बी क्रिएटिव एंड हैव फन, आप तख्लीकार हों और मजाक के इस भी रखते हों। तो मैंने ऑलरेडी इस पर काम कर चुका हूँ, तो चलें मैं अपने एमएस वर्ड पर लेके जाता हूँ और आपको उसकी एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। तो ये मैं अपने एम एस वर्ड पे आ गया। तो हमारी टास्क 1 थी पहले पिक्चर्स पे, आप देखें मैंने यहाँ लिखा भी है पिक्चर्स पे मी एंड फ्रेंड, ये एक सिचुएशन मैंने बनाई है। फ्रेंड जो मुझे फ्रेंड कह रहे हैं, फ्रेंड डियर वाई आर यू लाफिंग मी, मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ माई वाइफ हैज़ गॉन टू मदर होम फॉर अ वीक, मेरी वाइफ एक हफ्ते के लिए अपने मेके चली गई है। फ्रेंड आह हाउ लकी आर यू। तो आप इससे उसकी दोस्त की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो किस मूड में है यहाँ। इसके लिए एक दूसरा भी मैंने लिखा है, आप जो समझना चाहें अच्छा, लेकिन मुझे तो पहले ही अच्छा लगा, लेकिन मज़ीद वैरायटी देने के लिए मैंने कोर्स पे कैप्शन लिखा है मी रियली आर यू गोइंग वाई वाई आर यू लाफिंग टू मच हैव आई शेयर एनी जोक, आप तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो कि मैंने कोई जोक सुनाया है या शेयर किया है। मी नो 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 बेबी आई हैव इमेजिन हाउ योर फैमिली हैप्पी टू सी, मैं ख्याल कर रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें देखकर कितनी खुश होगी। वाइफ आई विल गो नेक्स्ट वीक, मी स्क्रीम नेक्स्ट वीक यू हैव टू गो टुमारो, तुम्हें कल जाना चाहिए। वाइफ आई अंडरस्टैंड,
मैं समझती हूँ। फिर हमारे पास जो दूसरा टास्क है, दूसरी पिक्चर्स के हवाले से, प्रिकली जैसे उन्होंने एक मेंशन किया खुशी होती है, तो ये बहुत ही शॉर्ट है। तो बॉस रिएक्शंस आर बिहेवियर आफ्टर आई आस्क फॉर रेजिंग माई सैलरी। तो ये जो ये एक कांटो वाला पौधा है, कैक्टस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये उसके बॉस के रिएक्शंस को क्या कह रहा है, डिपिक्ट कर रहा है या उसको प्रेजेंट कर रहा है कि जब मैंने अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने का कहा तो उसका ये रिएक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी और मसले पे या सब्जेक्ट के में मेरे असिस्टेंट या हेल्प चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।